Hello friends, welcome to Knowledge Stream. Friends, today onwards we will start Indian polity, and in this series our first topic will be our Constituent Assembly. Here we will discuss how the constitution was framed and who is the person behind the idea of making constitution. Here we will also discuss composition of Constituent Assembly and a silent feature of Constituent Assembly. दोस्तों हम Constituent Assembly के बारे में जानेंगे कि उसका गठन कैसे हुआ और उसके पीछे किसका दिमाग था जिसने सबसे पहले ये प्रपोजल रखा कि Constituent Assembly होनी चाहिए जिसकी जो हमारे Constitution के निर्माण में सहायक हो। यहाँ पर हम उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में भी जानेंगे कौन कौन से मेंबर के पास क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड बिफोर दैट लेट वी स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ लॉ। पहले लॉ के बारे में जानना चाहते हैं जाएंगे कि लॉ क्या होता है। फर्स्ट इज लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। नंबर वन लॉ गवर्निंग द स्टेट एंड नंबर टू लॉज बाय विच स्टेट गवर्न। लीगल सिस्टम किसी देश के लीगल सिस्टम को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर वन लॉ जो कि स्टेट को कोई गवर्न करता है और नंबर दो लॉ जिसके द्वारा स्टेट गवर्न होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ इन डिफरेंट मैटर्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स। But question is that who gives this power to the parliament so that it can able to make laws? It is basically a constituent Indian constitution gives this power to the parliament so that it can make a law. Thus constitutional laws belong to first category, law governing the state. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डील्स किससे करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डील्स करते हैं रूल्स एंड नॉर्म्स जिसकी वजह से गवर्नमेंट और इसके ऑर्गन फंक्शन करती हैं, अपना कार्य करती हैं और उसी से अपने शक्तियां जो है ना वो बेसिकली इट कैन ड्रॉज देयर पावर एंड फंक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेटअप करते हैं मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड ये रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट जो कि तीन ऑर्गन मेन तरीके से होते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इट ऑल्सो डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। दस हियर इज लीगल सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉज बेसिकली लॉ गवर्निंग द स्टेट एंड लॉ बाय विच स्टेट गवर्न। नाउ क्वेश्चन इज दैट इस वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इट इज बिलीव दैट कहा जाता है एरिस्टोटल जो कि एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे 350 बीसी के आसपास का टाइम माना जा सकता है। तो ही वाज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो सबसे पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहा था फंडामेंटल ऑर्डर कहाँ स्टेट ऑफ कनेक्टिकट यूएसए का फंडामेंटल ऑर्डर था। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789। एज वी नो दैट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस मॉडर्न इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी आल्सो नो दैट यूएसए वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस वर्ल्ड। जब का डॉक्यूमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट केवल 7 आर्टिकल हैं। इट हैज ओनली 7 आर्टिकल एंड नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 27 टाइम्स अमेंड हुआ है। टिल नाउ इट हैज बीन अमेंडेड फॉर 27 टाइम्स एंड पहले 10 अमेंडमेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पहले 10 अमेंडमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आर नोन एज बिल ऑफ राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
Germany Constitution or France USA Constitution. It has been described as the written constitution basically. और अगर हम बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इजराइल, दीज आर क्लासिफाइड एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली डिफरेंस क्या है उसमें, डिग्री का है कि कौन कितना ज्यादा रिटन है और कौन कितना ज्यादा नहीं है. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंस की हम बात करते हैं. डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड. Written constitution is has a proportionality, more written part in it and less unwritten part. Written constitution में ज़्यादातर part किसी book में लिखा हुआ होता है, जबकि unwritten constitution में नहीं होता, एक simple एक common book. और unwritten constitution has proportionality, more unwritten and less written element. Means unwritten constitution में ज़्यादातर unwritten element ही होता है, जिसकी वजह से उसको unwritten constitution कहा जाता है. इनफैक्ट की हम बात करते हैं रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मिसनोमर है. बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि वो अनरिटन ही है. बेसिकली उसमें मेजर पोर्शन जो है ना वो अनरिटन रहता है, जब भी कुछ ही पार्ट उसका रिटन होता है. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बट इट इज एम्बॉडीड इन रिटन फॉर्म विद स्टैट्यूट, कोर्ट जजमेंट एंड ट्रीटी. बेसिकली जैसे निर्णय आते रहते हैं उसके हिसाब से जो है ना कहा जाता है कि वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. ट्रीटीज से रिलेटेड कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनती हैं वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. कुछ जजमेंट होते हैं वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. फर्दर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. टू कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन. मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट टुगेदर and they frame a constitution and they attach a different section, different articles in the written forms in a single book. That is called deliberate human action. While unwritten constitution is a result of growth. Time के साथ साथ उसमें कुछ चीजें add होती गई है और जिसकी वजह से एक constitution बनता है उसको unwritten constitution कहते हैं. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राफ्टेड बाय एजेंसी, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं. और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टम एंड कन्वेंशन. दूसरा बेसिक डिफरेंस आता है दोस्तों कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट कंटेन सिंगल डॉक्यूमेंट विच इज द सिंगल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन द स्टेट. For example, Indian Constitution. While uncodified Constitution की बात करते हैं, is one that is not contained in a single document. Consists of several different sources. कुछ judgments से लिया, कुछ treaties से लिया, इन सब तरीकों से मिलके जो एक source बनता है, उसको uncodified Constitution की बात करते हैं. जैसे कि UK का Constitution. While India और USA have codified Constitution. नेक्स्ट डॉट डिस्कस करते हैं कि हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच कंपोज्ड फॉर ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम हाल ही की बात करते हैं, नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित किया था जिसने नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. और ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का केवल फर्क यही रहता है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना. ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी एंड अडॉप्टेड असेंबली डिसॉल्व हो जाती है. सिंस अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड की हम बात करते हैं. तो चूंकि इलेक्टेड और अनइलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिकॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल और सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. नाउ हियर वी डिस्कस दैट whose idea of making constitution constituent assembly for India.
idea of Constituent Assembly of India was put forward by Mahendra Nath Roy, which is popularly known as the M.N. Roy. M.N. Roy, friends, as we know that first Communist Party of India was formed in 1920. And it was the M.N. Roy who formed this party in 1920 in Tashkent. Tashkent, capital of Uzbekistan. M.N. Roy ke saath saath Ambani Mukherjee and other the log bhi the jinhone isme participate kiya aur communist party ka nirman hua 1920 mein. So M.N. Roy was the first person who gave the idea of making constitution. And in 1935 ki hum baat karte hain, Indian National Congress for the first time officially demand kiya tha इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. और अगर इसके बारे में और जाने तो पता चलता है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड एंड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज. फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो आईएनए से पुट फॉरवर्ड किया था उसको एक्सेप्ट किया अगस्त 1940 में, जिसे हम जानते हैं अगस्त ऑफर के नाम से. लेकिन इट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946. पहले जो है ना इसका इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, बट आफ्टर पार्टीशन सम ऑफ इट्स मेंबर्स सीज टू एग्जिट एंड इट्स ए सेपरेट Constituent Assembly was created for Pakistan. Friends, here is important to note that Cabinet Mission Plan, which came in 1946, who were the members of this Cabinet Mission Plan? Basically, there were three members. Number one is Patrick Lawrence, number two, Stafford Cripps, and number three, A.V. Alexander. This question has been asked many times in computer examination, so it is very important to remember. So next topic, friends, I start with election of member of Constituent Assembly. Constituent Assembly ka election indirectly hua tha. The member of the Constituent Assembly was indirectly elected. During British era, India has provincial assembly like present state and legislative assembly of the state. The member of Constituent Assembly were indirectly elected by member of provincial assembly. How? Method of single transferable vote, system of proportional representation. Then it is important to note that friend, there were 11 provinces and 4 chief commissioner provinces during this British era. वह 11 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? नंबर वन सेंट्रल प्रोविंस, नंबर टू यूनाइटेड प्रोविंस, नंबर थ्री बिरार, नंबर फोर बंगाल, नंबर फाइव असम, नंबर सिक्स उड़ीसा, नंबर सेवन पंजाब, नंबर एट सिंध, नंबर नाइन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल प्रोविंस एंड नंबर टेन बॉम्बे, नंबर इलेवन मद्रास. अगर चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बात करते हैं तो दिल्ली, कॉर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और अजमेर में बात. यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड थी. और सीटों का बंटवारा की हम बात करते हैं तो सीट्स एलोकेटेड टू द ब्रिटिश प्रोविंसेस डिसाइडेड अमंग थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज. इट इज इम्पोर्टेंट नोट दैट तीन प्रिंसिपल कम्युनिटी के बेसिस पर सीटों का बंटवारा हुआ था, जिसमें मुस्लिम, सिख और जनरल थे और उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ था. इस कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट की बात करते हुए नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट. Well, it is important to note here that franchise की बात करते हैं, अगर हम voting franchise की बात करते हैं तो it was on the basis of three factors. Number one,
education, number two property, and number three taxes. And this Constituent Assemblies was I have already told that on the basis of cabinet mission plan, not on the basis of August offer. Friends, one thing important to note here that assembly include all important personality of India at that time, except two members, number one Mahatma Gandhi and number two M.A. Jinnah, who were not the member of Constituent Assembly. Let me talk next topic, number of member of Constituent Assembly. Initially total membership was kept at 389. टोटल मेंबरशिप की हम बात करते हैं 389, बट आफ्टर पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड ओनली 299 रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज सम मेंबर वर ट्रांसफर टू बेसिकली सम वर सीज टू एग्जिट बिकॉज ऑफ पार्टीशन एंड द रेस्ट मेंबर वर 299 एंड अमंग दीज आर 229 मेंबर्स आर फ्रॉम प्रोविंसेस एंड 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट total 9 women members are there in Constituent Assembly. Important question. And membership plan was roughly as per suggestion of cabinet mission plan. The basis of division of seat was population. Election of member of Constituent Assembly. The first meeting ki hum baat karte hain, Constituent Assembly took place in Constitution Hall, New Delhi, 9th of December 1946. And Dr. Sachidanand Sinha was the first president of Constituent Assembly. And it was actually French practice to have oldest member president for the first time on a temporary basis. So, according to French practices, Dr. Sachidanand Sinha was first president. In the first meeting, assembly adopted objective resolution. Objective resolution, friend, we know that it become the part of our preambles. Our preamble. The appointment, in this meeting, it appointed various committees and the report of committee formed the basis of which first draft of constitution was prepared. This committee reassembled on 14 August 1947 as Constituent Assembly of Independent India after partition. Dr. Rajesh Prasad became the President of Constituent Assembly of Independent India and Professor H.C. Mukherjee, Harendra Kumar Mukherjee, was Vice President of the Constituent Assembly. Later, when the Republic Indian Republic was framed, then Dr. Rajendra Prasad was become a president and S. C. Mukherjee was became first governor of West Bengal. Friends, let me talk about objective resolution. Basically, first historic objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. It defined the aims of the assembly and answered the aspiration and value behind the constitution making. On the basis of objective resolution, as we know that it will objective resolution from the part of our preamble of the constitution, and it includes the topic equality, liberty, democracy, sovereignty, etc. Friends, objective resolution was unanimously adopted by the assembly on 22nd January 1947. It is important to note the date when objective resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly. The different committees of the Constituent Assembly, number of committee was created by Constituent Assembly to perform different tasks related to framing of the Constitution. Constituent Assembly ने कई कमेटी का गठन किया था. इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके हेड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने. लेट मी सी द डिफरेंट कमेटीज एंड हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी. राजेंद्र प्रसाद, इफ यू टॉक अबाउट राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी,
Finance and Staff Committee and Ad Hoc Committee on National Flag. So Rajan Prasad was head of these committees. And if you talk about Jawaharlal Nehru, it is important to note that he was chairman of Union Constitution Committee, Union Power Committee and State Committee. State committee, basically committee was there for negotiating with the state, and most powerful committee is the Union Constitution and Union Power Committee. Well, on the other, Sardar Patel was a chairman of Provincial Constitution Committee, and he was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Right and Minority and Tribal and Excluded Area Committee. While this subcommittee was headed by J.V. Kriplani and H.C. Mukherjee. Minority and Tribal Area Committee subcommittee was headed by H.C. Mukherjee, while Committee on Fundamental Rights was headed by J.V. Kriplani. Some of the other committee and their chairman are as follows. Function of Constituent Assembly. Who head this committee? G.V. Mavlankar. And Order Business Committee, K.M. Munshi. House Committee, P.B. Pattabhi Sitarabhaya. Special Committee to Examine the Draft Constitution, Aladi Krishna Swami Iyer. And Credential Committee, Aladi Krishna Swami Iyer. So Aladi Krishna Swami Iyer headed to committee or examine the Draft Constitution and the Credential Committee. Let me talk about most important committee or draft committee who prepared a draft for the Indian Constitution. It was headed by Dr. Bhim Rao Ambedkar, and six other members include Gopala Swami Iyengar and Gopala Swami Iyengar, Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. K.M. Munshi. Fourth member was Sayyid Muhammad Sadullah. Fifth member was N. Madhava Rao. He was Diwan of Mysore and he had replaced B.L. Mittal, basically who resigned due to ill health, and he strongly opposed the imposition of Hindi language as the lingua franca of India. It is important to note that in the draft constitution, who is the member who strongly opposed the imposition of Hindi language as the lingua franca of India? It is N. Madhava Rao. And the sixth member was T.T. Krishnamachari. He replaced D.P. Khaitan, who died in 1948. It is also important questions who died, who is the member who died in 1948, D.P. Khaitan. He was one of the member of Nehru cabinet and served as the union minister for two times, T.T. Krishnamachari. That Muslim members in draft committee, only one Muslim member are there in draft committee, and there was no lady in draft committee. While there were nine ladies members in the Constituent Assembly. It is important to note that there were nine ladies members in the Constituent Assembly, but there was no lady member in the Drafting Committee. Chronology and time used to draft Constitution. The Constituent Assembly set for 11 session. How many session? 11 session. Constituent Assembly set for 11 session. The first session was held in December 1946, and a draft constitution was published in January 1948. And the people of India were given 8 months for their feedback. The 11th session was held between 14 to 26 November 1949, and the Constitution of India was adopted on 26 November 1949. And we know that members have put their signature, and it was adopted in 26 January 24 January 1950, and the constitution was came into force 26 January 1950. And on this day, basically on 26 January 1950, Constituent Assembly ceased to exist, and it transformed itself into the Provincial Parliament of India. And first new parliament was constituted in 1953.
52 after the first general election. So number of year, month and days which took in making of this constitution is 2 year, 11 month and 17 days. Yes friends, number of time it took 2 year, 11 month and 17 days, and in original constitution if you talk about there were 22 parts, 395 articles and 8 schedule in the original constitution. So friends, our topic, first topic, constitution assembly has finished here, and we will start in the next lecture source of constitution, parts, etc. Thank you very much. So thank you very much friend, we will meet in next lecture.